बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टेबल्स बनाए थे विजिट के थ्रू, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि टी सीक्वल के थ्रू, सीरीज के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसको अल्टर कैसे करेंगे, फॉरेन कीज कैसे ऐड करेंगे, कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। क्यूरीज के थ्रू करेंगे वही काम। तो हमारी डेटाबेस थी बैच 6 की। अगर मैं अपने इंस्टेंस को, जो हमारा रूट इंस्टेंस है, उसको क्लिक करके न्यू क्यूरी करूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मास्टर डेटाबेस है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी डेटाबेस पे जंप इन करने के लिए हम लिखेंगे यूज़, जो हमारी डेटाबेस का नेम है, बैच 6, ठीक है। एंड गो, गो जो है वो एक टर्मिनेटर है, जिस हम सेमी कॉलम देते हैं टर्मिनेटर के लिए। अगर ये दें ना दें बात एक ही होती है, देखें दे देते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चेंज कर देगा मेरी डेटाबेस, ठीक है। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो इसकी सिक्योरिटी ये होती है कि आप इसके बाद जो भी क्यूरीज लिखेंगे वो इसी डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन से भी आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँ और ड्रॉप डाउन में आके मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लूँ कि मैंने इस डेटाबेस पर काम करना है या दूसरी डेटाबेस पर काम, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, एक इसका सोल्यूशन एक क्रिएट कर लेते हैं। जो भी हम अपना काम करेंगे वो मैनेजमेंट स्टूडियो का जो सोल्यूशन है उसमें करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम इसको क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट एनालिसिस, सॉरी स्क्रिप्ट सर्विस। इसको हम ब्राउज कर लेते हैं और मैं आपके एक्सेस की लोकेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे हम कर लेते हैं SQL 2K8-. ठीक है, हमने एक न्यू क्रिएट किया जो लास्ट हमारे पास ओपन है क्यूरी 5, उसके बारे में कह रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, मैं कहता नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा बैच 6 का, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू क्यूरी। उसने बाय डिफॉल्ट एक कनेक्शन बना दिया जो यहाँ पर ओपन था। इस क्यूरी को मैं रीनेम करता हूँ और मैं नाम भी देता हूँ क्रिएट टेबल, जहाँ पे आप सेव करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने करना क्या है, फाइल पे जाएं, न्यू पे आ जाएं, न्यू प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें SQL सर्वर स्क्रिप्ट का, उसकी लोकेशन दे दें, नेम दे दें, ओके कर दें, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। फिर उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप व्यू में जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, जिस तरह आप .NET में जाते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर सेम वही एनवायरनमेंट है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, इसको आप सेव करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं क्यूरी के अंदर यूज़ बैच 6 दो F5 फॉर एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूट, ठीक ओके। अब यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल आर करेंगे तो ये जो आपके पास रिजल्ट की विंडो आ रही है, ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल आर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल, टेबल का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर का आप बनाना चाह रहे हैं तो टेबल का नेम दे देंगे। उसके बाद टेबल की डेफिनेशन के लिए जो लाजमी चीज़ें हैं वो है एक कीवर्ड क्रिएट टेबल, दूसरा उसका नेम, थर्ड पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मिनिमम एक कॉलम, मिनिमम एक कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रखता हूँ आईडी, फिर उसके बाद आईडी की आप टाइप देंगे कि ये आईडी किस टाइप की हो, ठीक है। तो मैं टैब प्रेस करके थोड़ा आगे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ बिग एंड या एन, जो भी आप रखना चाहें। उसके बाद आपने एक चीज़ लगाई थी ऑटो इंक्रीमेंट, हमने लगाया था, अगर ऑटो इंक्रीमेंट आप लगाना चाहें आइडेंटिटी, और यहाँ पे आप उसकी ऑटो इंक्रीमेंट कामा सीड,
या आपने उसकी आइडेंटिटी बता दी, ठीक है। थर्ड चीज़, अगर आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप करेंगे प्राइमरी की क्लस्टर्ड, ठीक है, कॉमा, ठीक है, ये आपकी बन गई एक कॉलम। अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड नीचे आते जाएंगे, ठीक है, और लास्ट वाले के साथ कॉमा नहीं होगा, ठीक है। ये एक्शन परफॉर्म होगा आईडी के ऊपर, ये आईडी के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म होगा, आईडी के कॉलम बनेगा, टाइप उसकी बिगिंट होगी, ये उसका ऑटो इंक्रीमेंट एंड सीड होगा, ठीक है, और उसके बाद ये प्राइमरी की होगी। ऑटो इंक्रीमेंट के आप रिकॉर्ड ऐड करते जाएंगे तो पहले रिकॉर्ड के साथ 1, दूसरे के साथ 2, ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाना, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, विजिट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी में से जाके इस आइडेंटिटी को हमने थ्रू किया था तो काम करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको करता हूँ नेम, नेम उसकी टाइप एन वार्चार, मैं कहता हूँ ये 50 हो, ठीक है, और ये नॉट नल हो, ठीक है, बाकी तो आप नहीं ले सकते, वो जो आइडेंटिटी है वो आपकी न्यूमेरिक फील्ड के साथ लगेगी, ठीक है। प्राइमरी की एक हम रख चुके हैं, जैसे हमने एक बना, और प्राइमरी की जो है वो क्लस्टर्ड होती है, इसके साथ इंडेक्स क्रिएट होता है, क्लस्टर इंडेक्स, इस वजह से हम इसको क्लस्टर इंडेक्स करेंगे। देखें प्राइमरी की जब आप बनाते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, मैं आपको वो थोड़ा सा शो कर देता हूँ, लास्ट टाइम हमने क्या बनाया था, आईडी को प्राइमरी की बनाया था, ठीक है, या कैटेगरी के टेबल के अंदर आईडी को प्राइमरी की बनाया था। तो जब आप प्राइमरी की बनाते हैं तो उसके साथ क्लस्टर इंडेक्स बन जाता है आइटम कैटेगरी, ठीक है, जो इसको चढ़ने का ऑर्डर में करता है, और ब्ला 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 क्लस्टर इंडेक्स के अपने और बहुत से फायदे हैं, ठीक है, जो भी काम करता है, जो जरूरी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की जो है वो हमेशा आपका क्लस्टर इंडेक्स होता है, ठीक है, बाकियों के जितना भी आप लगाते हैं यूनिक, वो नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप जितने इंक्रीज करना चाहें स्पीड अप करने के लिए, वो ऑप्टिमाइजेशन का एक हिस्सा है, वो आगे जाके हम साथ साथ करेंगे कि क्यूरीज ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे करते हैं, ठीक है, डेटाबेस ट्यून इंजन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्यूरी के ऊपर। अब जब हमने इसको प्राइमरी की दे दिया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ नॉट नल का एट्रीब्यूट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम चाहता हूँ कि नेम का एक कॉलम हो, उसकी लेंथ इतनी हो, टाइप उसकी ये हो, और प्लस वो नॉट नल हो, तो यूज़र के लिए मस्ट है कि वो उसकी वैल्यू दे, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम हम दे देते हैं एड्रेस, ठीक है, या सिटी, ठीक है, एन वार चार 35, ठीक है, और ये नल हो सकता है तो आप इसको छोड़ दें। अगर आप नल देना चाहते हैं कि ये नल हो सकता है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, नॉट नल नल, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, अलाउ नल हो जाएगा। ये जो हमें 35 ये मेमोरी में पहले से रिजर्व कर रहे थे, जब आप नहीं, ये है एन जो है वो यूनिकोड के लिए आता है, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डब्ल्यू आर का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल करेक्टर है। अगर इसमें मैं सिटी का नेम एक ऐड करता हूँ जिसके टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, तो ये उस रिकॉर्ड के लिए मेमोरी में 8 कैरेक्टर्स लेगा, मिनिमम उतने कैरेक्टर लेगा जितने आप देंगे, मैक्सिमम 35 देंगे। तो नहीं लेंगे, सिर्फ आपके 5 लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है, अब ये पूरे 35 लेगा, चाहे आप उसमें एक कैरेक्टर दें या कुछ भी ना दें, ठीक है। जब हम इसके साथ वार ऐड करते हैं तो इसका मतलब है वेरिएबल कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इतना होगा, ठीक है। उसके बाद हम दे देते हैं फोन एन वाचा 13, ठीक है, अलाउ नल, आप देना चाहें नल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं ईमेल एन वार चार 50, उसके बाद आप कहते हैं जी वेब एड्रेस एन वार चार 50 या 150 या वट एवर जो भी आप देना चाहें जी, वो सारा कुछ आएगा, जो आपका यूनिकोड होता है उसमें सब कुछ आया था।
यूनिकोड जो है वो बेसिकली आपकी मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट्स के लिए आता है। अगर नॉर्मल आपका जो करेक्टर है वो लेता है 1 बाइट, जब आप आते हैं जी आप कहते हैं कि इसमें चाइनीज़ भी इंसर्ट हो सके, इसमें उर्दू भी इंसर्ट हो सके, इसमें अरबिक भी इंसर्ट हो सके, तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश के अलावा हैं ये आपकी 2 बाइट्स का करेक्टर होता है। इनका करेक्टर जो 2 बाइट का होता है तो उसके लिए आपको एन जो है ये लगाना पड़ता है। तो मल्टीपल अगर आप सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ वार्सा रखेंगे तो फिर आप इसमें यूनिकोड कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिकोड को आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करेंगे तो आपको हेल्पफुल मिल जाएगी यूनिकोड में और कैरेक्टर में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बेसिकली एक डेटा टाइप है जो यूनिकोड को भी स्पोर्ट करती है, ठीक है। अगर हम इसका 150 लेते हैं तो ये बेसिकली जब यूनिकोड कैरेक्टर आ रहा होगा तो ये 300 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम देते हैं ब्लॉक्ड, ठीक है, तो ये ब्लॉक्ड है कि नहीं है इसको देते हैं बिट, ठीक है। डेटा टाइप बिट जो है उसमें यस या नो आता है, यस या नो आता है, बोलिए नहीं जैसे जीरो या वन जिसको आता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, एक तो ये कि ये नॉट नल होगा, दूसरा मैं इसे कहता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, जो हमने लास्ट टाइम शायद पढ़ी थी कि प्राइस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाए अगर यूज़र नहीं देता सेल प्राइस मिनिमम प्राइस वगैरह। तो यहाँ पे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ कि ये ब्लॉक्ड 0, मतलब ब्लॉक फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक फॉल्स होगा। जब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट इंसर्ट होता है, ठीक है। अभी हम इसको यहीं पे लिखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, फिर हम अलग से अगर कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने कहा ये नॉट नल है और दूसरा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 आ जाए अगर यूज़र कुछ भी ना दे। उसके बाद मैं कहता हूँ डी एक्टिव, ये डी एक्टिव है कि नहीं है, बिट नॉट नल। अब इसके साथ मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ नॉट नल, कि ये नल भी ना हो, लाजमी है कि ये वैल्यू दें आप, ठीक है, लेकिन इसके साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते। फिर आपको जब अल्टर की कमांड थोड़ी सी पढ़ेंगे, अल्टर की क्यूरी के ऊपर आएंगे, तो फिर आपको बेसिकली आइडिया होगा कि डिफ़ॉल्ट 0 किया था तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम जा रही थी, इसका डिफ़ॉल्ट 0 नहीं किया तो अल्टर करने में क्या हमें नहीं आया, ठीक है। ये हमने टेबल बनाया, अगर मैं चाहूँ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँ और एग्जीक्यूट करूँगा तो जो सिलेक्शन सेट ऑफ बैच होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल कंट्री, और मैं इसको देता हूँ आईडी इंट कॉमा नेम एंड वाचर 50, उसको कहते हैं नॉट नल या प्राइमरी की आप जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरी को मैं कहता हूँ नॉट नल। अच्छा, ये हमने 2 टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जो विजुअल स्टूडियो मैनेजमेंट स्टूडियो 2012 जो है, जो इस वक्त मेरे पास मैनेजमेंट स्टूडियो 2012 खुला हुआ है, लेकिन हम काम जो है वो डेटाबेस इंजन 2008 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बैच ऑफ कमांड्स ये देखें कि जब मैंने फर्स्ट को कोलैप्स किया तो तमाम का तमाम कोलैप्स हो गया, ठीक है, लेकिन जब मैं इस पर रखता हूँ तो मुझे ये छोटा सा एक ग्रे लाइन दे रहा है कि ये बैच जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कि इंटेलिजेंटली इसको पता है कि ये बैच यहाँ से यहाँ तक है और इस कमांड का बैच यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब मैं इसको कोलैप्स करता हूँ तो ये तमाम का तमाम दोनों बैच जो है वो कोलैप्स हो जाता है। अगर इसको अलग करना हो तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा गो, ठीक है, और ये हमारा बैच हो गया अलग, ठीक है, वो अलग हो गया, ये बैच अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये टर्मिनेटर उसने लगा दिया कि ये बैच जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा और ये बैच यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये वाला टेबल क्रिएट हो, दूसरी कमांड अभी एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, एंड दैट्स इट, टेबल विल बी क्रिएट। कंट्रोल आर किया इसको थोड़ा सा जगह के रूम लेने के लिए। यहाँ पे मैं आऊँगा, टेबल को रिफ्रेश करूँगा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करें, ये सिलेक्ट करके आप यहाँ से रिफ्रेश कर दें तो ये हमारे पास कंट्री टेबल आ गया। इसमें 2 हमने कॉलम रखे थे, एक आईडी, ये भी नॉट नल होगा और ये भी नॉट नल होगा, ठीक है, 2 कॉलम आ गए। अब अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता, मैं तमाम का तमाम एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये टेबल तो हमारा क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये टेबल तो ऑलरेडी क्रिएट है इस नेम से, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे अभी ये हमें बता नहीं रहा कि ये क्रिएटेड है कि नहीं है, क्योंकि इसकी जो लोकल कैशे है वो रिफ्रेश नहीं हुई है। ठीक है, तो लोकल कैशे रिफ्रेश करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करूँगा तब भी रिफ्रेश हो जाएगी, अदरवाइज एडिट पे जाऊँगा, इंटेलिजेंस में आऊँगा और यहाँ पे मैं इसे कहूँगा रिफ्रेश लोकल कैशे। ठीक है, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये हमें बताएगा कि कंट्री ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब तक रिफ्रेश नहीं थी उस वक्त तक ये हमें ऑब्जेक्ट, कोई भी नया ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं बता रहा था कि ये ऑलरेडी है कि नहीं है। जब मैंने इसको रिफ्रेश किया लोकल कैशे को तो फिर उसे पता चला कि भाई ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। एक तो उसने यहाँ पर हमें एरर शो कर दिया, अगर ये एरर नहीं शो कर रहा, आप कैशे रिफ्रेश नहीं कर रहे और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ऑलरेडी जो है वो ओवरराइट नहीं करेगा कि वो ऑलरेडी इंसर्ट है। लेकिन अब हम रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को, तो उसने क्या किया, पहला टेबल क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं करना। ठीक है, अगर हमने इसमें ट्राई कैश लगाया हो, बिगिन लगाया हो कि यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो, यहाँ पे कमिट हो, कोई एरर आए तो रोल बैक हो जाए, वो आगे हम ऐसे ऐसा पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कस्टमर का टेबल ऐड किया। अब हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के साथ इसको मैच करते हैं। मैंने इसे कहा था आईडी हो, बिगिन हो और प्राइमरी की हो। अब ऑटो इंक्रीमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक डिज़ाइन मोड में आता हूँ, आईडी सेलेक्ट की, इसकी प्रॉपर्टी में आया तो ये देखें आइडेंटिटी यस होगी, सीड इतना हो गया, इंक्रीमेंट ऑफ सीड इतना। ठीक है, ये हमने क्यूरी के थ्रू जो चीज़ इसको दी। नेक्स्ट चीज़ हमने कहा नेम नॉट नल, उसके साथ नॉट नल हो गया। इनके साथ हमने नॉट नल नहीं लगाया था तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल आ गया। ठीक है, इसके साथ भी नहीं लगाया तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट नल। उसके बाद हमने कहा ब्लॉक्ड जो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आए ज़ीरो, ठीक है, और नॉट नल हो। अच्छा, अब हम आते हैं टेबल के डिज़ाइन मोड में अगेन, और ब्लॉक में हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी। मैं ब्लॉक पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डी एक्टिव के साथ नहीं दी तो उसके साथ नहीं आ रही। अब जिसके साथ हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है उसके साथ आपके पास एक कंस्ट्रेंट आ रहा होगा डी एफ डिफ़ॉल्ट कस्टमर, कस्टमर का टेबल है और ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, और आगे उसकी अपनी, ठीक है, उसकी अपनी मेजरमेंट है यूनिक कंस्ट्रेंट बनाने के लिए, जो वो कैलकुलेशन करता है आपके सिस्टम नेम, आपका टेबल, आपकी डेटाबेस, फिर आपका कॉलम, और उस हिसाब से ये यूनिकनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये उसने एक कंस्ट्रेंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद इंडेक्स पे, ये हमारा इंडेक्स उसने क्रिएट कर दिया प्राइमरी की के ऊपर, सेम उसी तरह से उसने आगे अपना एक यूनिक नंबर बनाने के लिए, ठीक है, प्राइमरी की कस्टमर के ऊपर एक क्लस्टर इंडेक्स आपका क्रिएट हो गया प्राइमरी की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, कंट्री का एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले सिटी का एक बना लेते हैं, ठीक है, सिटी को मैं आईडी दे देता हूँ और उसके बाद नॉट नल, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कंट्री आईडी। और कंट्री आईडी हमारी थी क्या थी, एंड थी, ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको रिलेशन उसके साथ क्रिएट करूँगा तो हमारी डेटा टाइप जो है वो मैच होनी चाहिए, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे उसकी टाइप दे दूँगा एंट और उसको कह दूँगा नॉट नल, ठीक है। तो ये वाला एक टेबल हम क्रिएट कर लेंगे, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी क्यूरी भी रहने देता हूँ, कंट्री इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, कामा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो सिटी का एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर आईडी का एक कॉलम हो, एक सिटी नेम का कॉलम हो और एक कंट्री आईडी जो हमारी यहाँ से आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंट्री आईडी को जो है प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल यहीं पे इसको डिज़ाइन मोड में जाके प्राइमरी की कर देता हूँ, ठीक है, ये हमने एक प्राइमरी की क्रिएट कर ली और इसको हम यहाँ पर प्राइमरी की बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक सिटी की प्राइमरी की और ये हम फॉरेन की क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिटी का टेबल क्रिएट करता हूँ,
ठीक है, तो ये हमारा सिटी का टेबल क्रिएट हो गया। टेबल्स पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास सिटी का टेबल आ गया। अभी हमने इस पर फॉरेन की नहीं लगाई, ठीक है, तो इससे फॉरेन की नहीं आ रही, तो मैं फॉरेन की ऐड करता हूँ। तो फॉरेन की ऐड करने के लिए मैं कहता हूँ अल्टर, किसको अल्टर करना है, अल्टर टेबल सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ऐड कंस्ट्रेंट, ठीक है, इस चीज़ पे कंस्ट्रेंट का मैं नेम यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि हम बनाना चाह रहे हैं फॉरेन की सिटी की किसके साथ, कंट्री के साथ, ऑन आईडी बेस्ड, ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहेंगे। आप यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी मैं ये दे रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास सिटी का टेबल है और ये कंट्री का टेबल है, तो मैं बेसिकली इन दोनों के बीच में भी रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ। कंट्री आईडी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी एज अ फॉरेन की, वन टू मैनी का रिलेशन आ जाएगा, इस कंट्री की ये सिटी है जो हम आइटम कैटेगरी और उसके साथ करते हैं। यहाँ पे आना चाहिए ये लाइन यहाँ पे क्यों आई है, ये हमने कॉलम क्रिएट किया है, ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं पता था कि आगे जाके हम कॉलम क्रिएट करेंगे। हम उस पर भी आते हैं कि नया कॉलम ऐड करना हो तो क्यूरी के थ्रू कैसे ऐड करेंगे, फॉरेन की को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ, मैं वो भी आता हूँ, वो हम कल लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं डिज़ाइन के थ्रू रिलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ क्यूरी के थ्रू, हम उसका रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका नेम दे दूँगा किस चीज़ के ऊपर हम बनाना चाह रहे हैं, कंट्री आईडी के ऊपर, ठीक है। कंट्री आईडी की बेस पे मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑफ कर लेता हूँ, जो हमारे रेफरेंसेस हैं उनको वो कर लें। रेफरेंसेस में हमारा आ जाएगा कंट्री और कंट्री की टाइप आईडी, थोड़ी सी कंट्री है, अच्छा सॉरी, हमने कहा ऐड कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट ऐड करो, कंस्ट्रेंट का नेम ये होगा, कंस्ट्रेंट होगा क्या, फॉरेन की होगी, ठीक है, किसके ऊपर, इस कॉलम के ऊपर जो हमने ये कॉलम क्रिएट किया, इस कॉलम के ऊपर। उसका रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस में आप टेबल दे देंगे, इस टेबल की, इस फील्ड के ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, टेबल को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं टेबल को, और उसमें एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं उस टेबल में, जो हम कहाँ पर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर ऐड होगी, किसके बिहाफ पे, इसके रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपने इस टेबल के कॉलम को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेन की है, ठीक है। अगर आप इसको इन डिटेल देखना चाहें, डिज़ाइन में आते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ रिलेशनशिप में, तो ये हमारा एक फॉरेन की का रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। ये उसके अंदर टेबल की स्पेसिफिकेशन, हमारा फॉरेन टेबल ये होगा, प्राइमरी टेबल हमारा, ठीक है, ये होगा और उसकी आईडी ये होगी, ठीक हो गया। यहाँ तक तो हो गया हमारा फॉरेन की का कंस्ट्रेंट हमने ऐड कर दिया। अच्छा, फॉरेन की क्रिएट करने के लिए पहले आपके पास वैल्यूज होनी चाहिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सिटी है, सिटी की जो आईडी है वो इसके साथ मैच हो जाए, लेकिन अब इसकी डेटा टाइप तो हमने क्या रख दी हुई है, वारसा रख दी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर सिटी का मैं रिलेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ किसके साथ, कस्टमर के साथ, मैं पहले क्या करूँगा, कस्टमर के अंदर जो हमारे सिटी का कॉलम बना चुके हुए हैं उसकी डेटा टाइप पहले चेंज करेंगे, ठीक है, उसको नॉट नल करेंगे और फिर उसके साथ कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं अल्टर करता हूँ किस टेबल, किसको अल्टर टेबल, कौन से को, कस्टमर को, ठीक है,
और यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अल्टर कॉलम, उस टेबल के कॉलम को अल्टर करने जा रहा हूँ। कॉलम का नेम क्या है, सिटी, उसकी न्यू टाइप नॉट नल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अल्टर करेगा उस टेबल को और उसके कॉलम को अल्टर करेगा जो सिटी है, और इंट बना देगा उसको नॉट नल के साथ, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया। अब हम आते हैं कस्टमर के टेबल में, इसको रिफ्रेश करते हैं और कॉलम इसके चेक करते हैं, तो हमारे पास सिटी जो है वो इंट हो गया, नॉट नल, ठीक है। पहला काम तो आप ये करेंगे कि उसकी टाइप मैच करेंगे किसके साथ, सिटी के टेबल के साथ, उसकी प्राइमरी की के साथ, जिसके साथ आप फॉरेन की इसका रिलेशन, डेटा पड़ा हुआ होगा तो पहले आप डेटा मूव करवाएंगे ना साथ, ठीक है। फिर आप इसको नॉट नल नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे से डेटा के पास फॉर्म में नहीं पड़ा होगा, वहाँ पर डेटा लॉस हो जाएगा। जब आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब आप कन्वर्ट करेंगे टाइप को, एंड वार चार है उसमें, आपने ए बी सी एच ए बी कुछ भी रखा हुआ है, तो आपका लॉस हो जाएगा, और जो आपके न्यूमेरिक होंगे वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से टूल इस्तेमाल करते हैं जो डेटा कंपेयरर के लिए यूज होते हैं, ठीक है, रेड गेट के, उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो एक अलग केस आया था कि जिसमें आपके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, फिर बाद में डेटा को मैपिंग करवानी है या कुछ, ठीक है। तो उसके लिए तो जब हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन में फर्दर आपके ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जिसमें आप कहते हैं कि एग्जिस्टिंग डेटा को चेक ना करें, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो चेक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं स्क्रिप्ट क्रिएट करूं इस टेबल का, ठीक है, सिटी के टेबल का, जिसमें एक फॉरन की है, तो ये कह रहा है विद चेक, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है कि विद चेक, उस चेक के साथ ऐड करे, ठीक है। तो इसमें फिर आगे फर्दर ऑप्शन है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें, मतलब हमने टेबल क्रिएट किया था तो क्रिएट करने में आगे फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं। प्राइमरी क्लस्टर्स ये इस तरह क्रिएट कर रहा है, आईडी को सेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, विद और ऑन ऑफ, इसके बहुत सी ऑप्शनल चीज़ें हैं जो आगे आप ऐड ऑन करते हैं, जो हम क्यूरीज में से नहीं देखते, ठीक है, जो बाई डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नॉट नल चाहिए था या नल चाहिए था, तो मैंने नॉट नल को मैंशन नहीं किया तो उसने नल बना दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट ऐड किया तो हमने विद चेक कीवर्ड यूज़ नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट विद चेक करेगा। अगर आप उसको अलग से कंस्ट्रेंट बनाना चाहते हैं कि उसमें चेक ना हो या इस तरह का चेक हो, ये चीज़ इज ग्रेटर देन दिस हो, ठीक है, तो वो मल्टीपल आप कंस्ट्रेंट अपने बना सकते हैं जो आप बनाना चाहें। अच्छा, तो हमने क्या किया, अल्टर किया, पहले उसकी टाइप को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम उसका कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ टॉप से एक कमांड को जो हम इससे पहले कंस्ट्रेंट लिख चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं कमेंट्स दे देता हूँ फॉरन की, ठीक है, और इसके कमेंट्स के लिए डबल डैश मैं दे देता हूँ अल्टर, ठीक है। ये सेम उसी तरह से हमारे पास की का आ गया, तो यहाँ पे मैं फॉरन की उसकी क्रिएट करूँगा। तो फॉरन की बनानी है किसके साथ, कस्टमर के साथ, सिटी की आईडी बेस्ड, ठीक है। और यहाँ पे किस टेबल को हम अल्टर करने जा रहे हैं, कस्टमर के टेबल को, कस्टमर के टेबल को चेंज कर रहे हैं, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज़ फॉरन की किसके ऊपर बनानी है, सिटी के ऊपर, ठीक है। तो मैं से कहता हूँ सिटी, ठीक है, और कहाँ से आएगी, सिटी की आईडी से, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारी फॉरन की क्रिएट हो गई सिटी, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। अच्छा, पहला काम टेबल को क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद कंट्री का टेबल बनाया, सिटी का टेबल बनाया, उसमें कंस्ट्रेंट ऐड किया और टेबल की टाइप चेंज की, एक कॉलम की सॉरी टाइप चेंज। अब हम क्या करते हैं, कुछ और कॉलम मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप टेबल के डाटा पहले फ्री कर देना, सारा ऑपरेशन आएंगे, समझ आएगा, मिक्सअप हो रहा है, रिजल्ट आएगा ना, जितना आप एक इंक्रीमेंट करेंगे उतना चलेगा, जिसमें ये चेंज आया। वो अभी हम डेटा मैनिपुलेशन पर नहीं आ रहे, अभी हम डेटा मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे, अभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको आप रीनेम करें, आप यहाँ से भी कॉलम के डिज़ाइन मोड में जाकर आप वो काम कर सकते हैं जो हम कर चुके हैं। आप डिज़ाइन में जाएं, यहीं से उसका रीनेम कर दें और काम,
ये काम आप कर चुके हैं, ये आपको मैं क्यूरी बेस्ड करवा रहा हूँ कि यही काम आपने क्यूरी के थ्रू करना हो। सम टाइम अगर आपका कॉलम जो है वो किसी और जगह पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से विजिट के थ्रू कुछ चेंज नहीं होता, क्यूरी के थ्रू चेंज करते हैं। तो कुछ चीज़ें क्यूरी के थ्रू जब हम चेंज कर रहे हैं तो कुछ कम्प्लेक्सिटीज आते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी हमें स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, वो इंसर्शन, अपडेशन, सिलेक्शन, वो क्यूरीज आगे आती जाएंगी, ठीक है। ये आपकी एक टाइम आती है जब आप डीडीएल बना रहे हैं, सक्सेस बना रहे होते हैं, तो ये क्यूरीज आपको भूल जाते हैं क्योंकि आपने वन टाइम करनी होती है, ठीक है। इनका यूजेज कम होता है, इस वजह से मैं इन पर फोकस ज़्यादा करूँ कि आपको याद रहा, ठीक है। बाकी सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन वो तो इतनी चलेंगी कि आपकी सोच, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि मैं एक कॉलम जो हमने अभी तो जो हमने पढ़ा कॉलम को अल्टर किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एक ऑलरेडी कंट्री का है उसके अंदर एक कॉलम ऐड हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर, तो मैं कहता हूँ अल्टर टेबल कंट्री ऐड, क्या ऐड करना है जी, हमने कॉलम ऐड करना है, तो मैं इसके अंदर दे देता हूँ डी एक्टिव का एक हम ऐड कर देते हैं, डी एक्टिव, इसको हम दे देते हैं बिट और डिफॉल्ट दे देते हैं 0, ठीक है। और साथ में कह देते हैं कि ये नॉट नल होगा, नहीं जी ऐड से काम होगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे किया, हमने डी एक्टिव का लगाया कि फॉर एग्जांपल यूज़र एक एंट्री करता है, बाद में कहता है ये कंट्री मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। डी एक्टिव के लिए उसको डी एक्टिव कर दें कि हम डिलीट ना करें डेटाबेस से, डेटाबेस में जो रिजल्ट आ जाए वो पड़ा रहे, उसको हम डी एक्टिव कर दें। सेम यही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिटी के अंदर, ठीक है। अल्टर टेबल सिटी, यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड डी एक्टिव विट नॉट नल डिफॉल्ट 0, ठीक है। तो ये हमारे सिटी के टेबल में एक चीज़ ऐड है। अब जिन जिन चीज़ों के साथ हमने डिफॉल्ट ऐड किया है सिटी के, अगर उसको हम मॉडिफाई करने जाते हैं तो फिर एक प्रॉब्लम आती है। अब उस प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, कुछ टेबल्स के साथ हमने ब्लॉक के साथ डिफॉल्ट दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ब्लॉक के बिट को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा एरर आएगा, उस एरर को थोड़ा स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ अल्टर टेबल, कौन सा टेबल था हमारे पास, कस्टमर का टेबल था, मैं कहता हूँ अल्टर कॉलम कौन सा ब्लॉक इंट नॉट नल, अल्टर में हाँ जी, यहाँ पे आपको कॉलम मेंशन करना है। तो दूसरा, जब आप अल्टर कर रहे हैं तो आप डिफॉल्ट नहीं दे सकते कीवर्ड, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये डिफॉल्ट जो है वो 0 हो जाए तो ये नहीं हो पाता। डिफॉल्ट के लिए कंस्ट्रेंट क्रिएट होता है, जब आप फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट का कीवर्ड लगाते हैं तो वो खुद से एक कंस्ट्रेंट बना देता है। अब मैं जो इस कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, हमारे पास जो कस्टमर का कॉलम है उसमें ब्लॉक्ड के ऊपर एक ऑलरेडी कंस्ट्रेंट बना हुआ है, ठीक है। अब उस कंस्ट्रेंट कॉलम को मैं चेंज करने जा रहा हूँ इंट में, ठीक है। तो वो मुझे एक एरर दे रहा है कि ये कंस्ट्रेंट जो है डिफॉल्ट वैल्यू का इस डिपेंड है इस कॉलम के ऊपर, ये कॉलम इस कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से आप क्या कर पा रहे हो कि उसको अल्टर नहीं कर पा रहे हो, फेल हो रहा है, वन और मोर ऑब्जेक्ट एक्सेस दिस कॉलम, ठीक है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में इसको अल्टर करने से पहले मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप कंस्ट्रेंट ऐड अल्टर और ड्रॉप, ये तीन चीज़ें आपकी हुई, ठीक है। चाहे आप किसी टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी शो प्रोसीजर को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी व्यू को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप ड्रॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो ड्रॉप नहीं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को, डेटा को नहीं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए डेटा के लिए नहीं, वो अलग चीज़, ठीक है। मैं कहता हूँ ड्रॉप कंस्ट्रेंट, तो ठीक है, उस कंस्ट्रेंट का हम यहाँ पे नेम दे देंगे जिसको आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ से इस टेबल में से
इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रेंट ख़त्म हो गया। अब मैं इसको रीनेम करता हूँ, सॉरी अल्टर करता हूँ, चेंज करता हूँ, अभी हमारे पास चेंज हो गया, अभी ब्लॉक जो है वो एंट बन गया, पहले नहीं हो रहा था, ठीक है। अब अगर मैंने दोबारा इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए मैं कंस्ट्रेंट लिखूँगा, ठीक है, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम दे दें डिफॉल्ट ब्लॉक्ड, ठीक है, मैं सॉरी पहले टेबल का नेम दे देता हूँ कस्टमर ब्लॉक, ठीक है, इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू डाल रहे हैं, डिफॉल्ट जीरो फॉर ब्लॉक, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का आप नेम दे देंगे जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, ठीक है, और फॉर उस कॉलम के लिए जिस कॉलम के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे कंस्ट्रेंट में, ठीक है, ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक एंट है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है। अगर यही काम मैं डीएक्टिव के साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक की जगह मैं यहाँ पे देता हूँ डीएक्टिव डिफॉल्ट जीरो फॉर डीएक्टिव, जो हमारा कॉलम का नेम है, ठीक है, इसके साथ मैं एक कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू का, ठीक है। अब हम आते हैं इस टेबल की, रिफ्रेश करते हैं इस टेबल को, डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं, ऑलरेडी ओपन है डिज़ाइन डी एक्टिव, देखें पहले हमने कॉन्स्टेंट किया किसके लिए, फॉरेन की के लिए, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स आपके किस तरह के कंस्ट्रेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं, फॉरेन की ऐड करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली उसकी टाइप होती है कि ये फॉरेन की है, ठीक है। जब फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेफरेंसेज आप यूज़ कर रहे हैं, जब आप कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि डिफॉल्ट के लिए बन रहा है, फॉर किसके लिए उसका आगे आप कॉलम का नेम दे देंगे, ठीक है, उसके लिए बन रहा है। ठीक है, दो हमारे पास कंस्ट्रेंट होंगे डिफॉल्ट वैल्यू के, बाद में इसको देख लेता हूँ कि इसका क्यों नहीं शो कर रहा है, ठीक है, कोई चीज़ गलत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे किसी कॉलम को रीनेम करना है, ठीक है, किसी कॉलम को रीनेम करना है या किसी टेबल को रीनेम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम रह गया सिटी, इसको हमें बनाना है सिटी आईडी, क्योंकि ये ऑलरेडी दूसरे के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। या हम किसी भी कॉलम को ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल को ले लेते हैं, तो मैं ईमेल को ईमेल एड्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि सिटी के लिए हमें उसका कंस्ट्रेंट ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट, ठीक है, एसपी जो सिस्टम के शो प्रोसीजर है, रीनेम एसपी रीनेम, ये एक सिस्टम शो प्रोसीजर है, इसको मैंने कॉल किया, जो सिस्टम शो प्रोसीजर है वो आपके इस कलर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ, अगर मैंने चेंज करना है ईमेल को, ठीक है, तो ये हिस्सा किसका है, कस्टमर का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कस्टमर डॉट ईमेल टेबल डॉट ईमेल कामा न्यू नेम। जब आप न्यू नेम देंगे तो उसमें आपको टेबल का नेम देने की ज़रूरत नहीं है, कि फर्स्ट आप देते हैं कि वो बेसिकली उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि इस टेबल में जाके इस फील्ड को उठाना है, ठीक है, और उसको रीनेम कर दो ईमेल एड्रेस। अब ये कॉलम है तो
तो कॉलम के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कामा, जो थर्ड पैरामीटर है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की टाइप है वारचार बाय डिफॉल्ट इक्वल टू नल है, तो यहाँ पे मैं दूंगा कॉलम, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा क्वेश्चन देता है, चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड शो प्रोसीजर्स, कि अगर आपने इस कॉलम को किसी शो प्रोसीजर में, किसी व्यू में या किसी और क्यूरी में यूज़ किया हुआ है तो वो डिस्टर्ब होगा, वो ब्रेक हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसने ईमेल एड्रेस उसको, ठीक है। ये तो कॉलम के लिए था कि अगर मैंने कॉलम को चेंज किया, कॉलम का नाम चेंज किया, ठीक है, कॉलम का नेम चेंज किया, अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ टेबल को या किसी शो प्रोसीजर को, व्यू को, उसके लिए आप exec भी लिख सकते हैं और execute भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। sp underscore rename, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ सिटी, और इसको चेंज कर दो सिटीज में, और थर्ड पैरामीटर में नहीं देता, थर्ड पैरामीटर नहीं दे रहा, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, टेबल है, ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट है आपका। सेम वही क्वेश्चन आएगा, अगर आपने उसको कहीं और यूज़ किया हुआ है तो वो आपका ब्रेक कर देगा, ठीक है, मैंने टेबल किया तो इसी पीछे, ठीक है। ऐसे कुछ वो आपको मैनुअल जाना पड़ेगा, इसी टेबल का नाम, हाँ ये इसी टेबल का नाम, अगर ये टेबल किसी क्यूरी में यूज़ हुआ है तो सॉरी वहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन दे रहा है कि चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेम कुड ब्रेक स्क्रिप्ट एंड स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई, क्या क्या काम किया, मैं छोटा सा रिवाइज करता हूँ। टेबल को क्रिएट किया और मैक्सिमम ऑप्शंस जो हमारे लिए रिक्वायर्ड थी वो हमने स्टडी की, टेबल के लिए हमने स्टडी की, ठीक है, सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल, फिर उसके बाद फॉरेन की ऐड की, जो हम विजिट के थ्रू इससे पहले कर चुके हैं, उसके बाद टाइप चेंज की कॉलम की, अगेन फॉरेन की ऐड की, उसके बाद हमने क्या किया, अल्टर किया एक नई फील्ड ऐड करने के लिए, सेम इसी तरह फील्ड ऐड करने के लिए, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप किया, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि कंस्ट्रेंट कॉलम जो था उसको वो एडिट नहीं होने दे रहा, ठीक है, तो दोबारा हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया और कॉलम को रीनेम किया और टेबल को रीनेम किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अल्टर सर और किसके लिए इस्तेमाल होता है, अल्टर टेबल है, अल्टर व्यू है, अल्टर शो प्रोसीजर है, अल्टर फंक्शन है, ठीक है, अल्टर चेंज कर रहे हैं, मैंने कहा अल्टर कॉलम, ठीक है, तो ये कॉलम किसका हिस्सा है पहले वो बताना है, ये कॉलम एक टेबल के अंडर है तो टेबल को अल्टर करना है, टेबल को चेंज करना है, इस वजह से फिर मैंने आगे मेंशन किया कि अब कॉलम की बारी, ठीक है, कि इस टेबल को अल्टर करो इस कॉलम की बेस पे, फंक्शन अल्टर करेंगे तो अल्टर फंक्शन लिखा हुआ होगा, अल्टर शो प्रोसीजर लिखा हुआ होगा, अल्टर व्यू लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्रिएट शो प्रोसीजर, क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट फंक्शन, टेबुलर फंक्शन वो आप भी सारे, ठीक है, उसके साथ आप क्रिएट लगाएंगे, डिलीट करना है तो ड्रॉप लगाएंगे, ऐड करना है तो ऐड लगाएंगे, ठीक है, तो फील्ड ऐड करनी है तो उसके लिए ऐड लगाएंगे, मेन ऑब्जेक्ट आपने ऐड करना है तो उसके लिए क्रिएट लगेगा, जैसे टेबल शो प्रोसीजर फंक्शन व्यू, उसके लिए क्रिएट का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे टेबल के अपनी कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं कि आप क्रिएट टेबल लिखेंगे, कीवर्ड, टेबल का नेम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे, ठीक है, और उसके बाद मिनिमम एक कॉलम देंगे, और अगर आपने मल्टीपल देने हैं तो कॉमा सेपरेटेड आप कर देंगे, नंबर ऑफ एन वैल्यूज जितनी आप देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिएट करते हैं शो प्रोसीजर तो उसका जो सिंटैक्स होगा उसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट आ जाएंगी, कि आप शो प्रोसीजर का नेम देंगे एज, उसके बाद पैरामीटर की वैल्यू एंड देन एज बिगिन, जो है दोबारा जो एज आएगा उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, जो भी आप बॉडी की रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो अपना होगा, इसको आप अगर आप MSDN की हेल्प पे जाके देखेंगे क्रिएट टेबल तो वो आपको सारी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक क्लियर है जी, मुझे आगे चलें थोड़ा सा, ठीक है।
अब आपने काम करना है, अगर अपने साथ सिंसियर होंगे तो आपने जो भी टेबल्स बनाने हैं वो इस तरह बनाने हैं, विजिट के थ्रू नहीं करना। विजिट इधर ही है, वो सारी जिंदगी पड़ा रहेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो राइट क्लिक ऐड टेबल, राइट क्लिक बनाना और ये वो इसी तरह, ठीक है। आपने इसके थ्रू जाना है, मिनिमम 4 से 5 टेबल बना लें, ठीक है, ताकि आपका हाथ बैठ जाए। कुछ कॉलम बनाते वक्त छोड़ दें, उनको बाद में ऐड ऑन करें, ठीक है। फॉरन फीस को कंस्ट्रेंट को कोशिश करें, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि सम टाइम जब हम आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, रेप्लिकेशन और इन चीज़ों पर जब आएंगे, तो आप विजिट के थ्रू किसी चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो फिर हमें मजबूरन क्यूरीज पे आना पड़ता है, जब हम अगर चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, आपके पास कुछ न्यू चेंजेस हैं जो आपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में मर्ज करनी है, लेके जानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर हमें कुछ क्यूरीज लिखनी पड़ती है, ठीक है, और क्यूरीज के थ्रू हमारा काम होता है। कुछ हमें टूल क्यूरीज बनी बनाई जाए तो हमें संचलन करते हैं, अगर विदाउट क्यूरीज आप उसको करना चाहें रिजल्ट के थ्रू नहीं चाहिए, क्योंकि वार रजी रेप्लिकेशन के अंदर रेप्लिकेशन की जो जॉब्स होती हैं, जॉब्स कंटिन्यूसली चल रही होती हैं, तो उनके अंदर यूज हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए फिर हम लेते हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है, सेव कर दें उसको, ओके। यूज बैच ये आपने एक दफ़ा मैंने दे दिया यूज बैच, तो डेट सेट वो हाँ देखें, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक डेटाबेस में जाए और ये दूसरी डेटाबेस में जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर दे दूँगा यूज़, ठीक है, जो भी मेरी डेटाबेसेस हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट डीबी एक डेटाबेस है, ठीक है, एंड गो, ठीक है, तो अब ये उससे नीचे का जितना पैच है ये उसके साथ काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से, अब देखें कंट्री के अंदर जो अंडरलाइन आ रहा था ऑलरेडी क्रिएटेड, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इस डेटाबेस के अंदर तो कंट्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कंट्री के टेबल अवेलेबल नहीं है, तो आप हर पैच को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, लेक्चर भी सेव कर लेते हैं, कोई चीज़ पूछनी है तो